तो जैसे मैं अलग अलग स्टॉल पे लेके जाता हूँ तो वहाँ पे आप कॉइन देखते हैं, पेपर मनी देखते हैं, फॉरेन करेंसी देखते हैं, लेकिन अभी एक ऐसे स्टॉल पे लेके आया हूँ जहाँ से अगर आप पेपर मनी या कॉइन का कलेक्शन ना भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, इस कलेक्शन में क्या देखने को मिलेगा? आप किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, क्या है ये गिफ्ट हम देखते हैं। यहाँ पर स्टॉल ओनर है, आपका नाम बताइए सर। निखिल पारेख फ्रॉम मुंबई। अच्छा, क्या कलेक्शन करते हैं आप? कलेक्शन यानी क्या है, बेसिकली चाइना की जो गिफ्ट आर्टिकल्स रहती है आप यूज करो और थ्रो कर दो, सब ई वेस्टेज होती है। उसका एक मस्त सॉल्यूशन लाया है, वो देखिए। आप कोई भी डेट बताइए। मेरा ही बता दें, 26 अप्रैल 1990। आप चाइना की कोई भी गिफ्ट लीजिए, 100 रुपए के भी लेकर आइए, बच्चा यूज करके थ्रो कर देगा, भूल जाएगा, तोड़ देगा एक दिन में खिलौना। बराबर, ये 10 साल के बाद भी अलमारी से निकालेगा, देने वाले को याद करेगा। बराबर, और ये 10 रुपए तो ओरिजिनल है कम से कम। हाँ, तो चाइना के सामने ये बेस्ट है। ओके, ओके। ऐसा और भी आप साथ में, अच्छा ये बर्थडे नोट का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दीजिए कि कैसे बर्थडे नोट गिफ्ट की जाती है, इसका कोई सेट बनता है कि सिर्फ 10 रुपए का? नहीं, सब में ये सब अवेलेबल है। 1 रुपीज 2 रुपीज 5 10 20 50 100 200 500, ओके, सब कुछ अवेलेबल है और सब बेस्ट अनयूज्ड कंडीशन, यूएनसी एकदम क्रिस्प, यूएनसी फ्रेश कंडीशन आएगा। हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी होती है बाय कुरियर। ओके, ये पूरा सेट चाहिए आपको 3500 में मिलेगा। ओके, और कुरियर मतलब पूरे, ये पूरा सेट 1 रुपए 1 2 5 10 20 50 100 200 500, हाँ ये 500 तक पूरा कितने में मिलेगा? 9 नोट का सेट आएगा पूरा 3500 में, घर तक पहुंच जाएगा, घर तक पहुंच जाएगा, नो प्रॉब्लम। और किसी को गिफ्ट करना है तो साथ में आप वो गिफ्ट वगैरह बर्थडे नोट से पैक करके किसी प्रकार से देते हैं? इसी प्रकार से देते हैं, और किसी को ज्यादा कुछ अच्छा करना है, पर्सनलाइज करना है तो वो भी कर देंगे। आपका फोटो दीजिए या और कोई थीम है या कंसेप्ट है, वो हिसाब से। किसी का 51 साल का है तो 50+1 रुपीज का दे देंगे, मतलब कोई भी नोट का डेट के हिसाब से देंगे। आपको जैसा कॉम्बिनेशन है, जैसा कंसेप्ट है, समझो किसी का 25 साल हो रहा है तो 20 रुपया और 5 रुपया दे दीजिए। बरोबर है, तो 25 साल का 25 रुपया हो गया। जैसा आपका कंसेप्ट, जैसा आपका बजट, वो हिसाब से कॉम्बो बनाएंगे और आपको दे देंगे जितना बजट है वो हिसाब। और लूज नोट 10 का देते हैं कि वो ऐसे शिप नहीं करते? सब सब देते हैं। लूज एक नोट मंगाते हैं तो कितना होता है? 50 रुपीज प्लस कुरियर, 10 रुपए का नोट आएगा, 50 रुपया विथ कार्ड पैकिंग के साथ। जो भी बजट बोलेंगे, जो भी नोट बोलेंगे सब आ जाएगा? हाँ सब सब, जो भी डेट, अभी स्पेशल डेट रहती है, जैसे सेलिब्रिटीज है, विराट कोहली है या धोनी है या सचिन तेंदुलकर है या लता मंगेशकर है या अब्दुल कलाम है, सबका रेट अलग अलग रहेगा, लेकिन नॉर्मल आपकी रेट चाहिए आपको नॉर्मल रेट में मिलेगा। बरोबर, यू कैन गिफ्ट इट टू एनीवन, आफ्टर ऑल इट इज करेंसी। हाँ, और कोई फेंकेगा भी नहीं। हाँ, और कोई फेंकेगा भी नहीं, फेंकेगा ही नहीं, खुद की डेट है क्यों फेंकेगा। अच्छा, और साथ में क्या कलेक्शन करते हैं दूसरा भी दिखाइए। फैंसी सेमी फैंसी नंबर्स। अच्छा, एक स्पेसिमेन नोट है वो दिखाइए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो आप। इसमें ऑल जीरो है। ओके, ये स्पेसिमेन है, ये सब नॉर्मल कोई भी स्टॉल पे ऐसे देखने नहीं मिलेगा। ओके, सब ओरिजिनल है, कोई इसमें 19-20 नहीं है, लेकिन पब्लिक को ये सब कभी देखने भी नहीं मिलेगा। ओके, ये स्पेसिमेन नोट क्यों जारी किया जाता है? वो छपने से पहले ये लोग स्पेसिमेन रहती है वो छपते हैं, ये 2015 की है और ऑफिशियल्स को देते हैं और अलग अलग डिग्निटरीज को आउट ऑफ करते हैं, सब एक पीस बेचते हैं देखने के लिए। तो एक हमने वो लोग से खरीद लिया है, किसी से भी। अच्छा अच्छा, और साथ में एरर नोट का भी कलेक्शन करते हैं आप? गवर्नमेंट प्रिंटिंग मिस्टेक होती है प्रिंटिंग के टाइम, तो ये देखिए 2 रुपए का है, एकदम क्रिस्पी कंडीशन। ओके, आधा छपा है आधा नहीं छपा है।
सब मतलब प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, वो सब दिखते हैं इसके अच्छे अच्छे कलेक्टर्स है, शौकीन लोगों का काम है ये। और दूसरा साथ में ये बता दूं कि अगर ये कुछ परचेस करना है तो आप अपना नंबर दे दीजिए, साथ में बता दीजिए कि आप कोई सिक्के नहीं खरीद रहे, आप कुछ नहीं खरीद रहे, वो भी बता दीजिए। नहीं मतलब जो यूट्यूब पे जो ज्यादा ही कुछ भाव दिखा रहे कि 5 हरण, वो सब गवर्नमेंट ने छापा नहीं है, वो चीज की क्रिएट कर रहे हो डिमांड, लेकिन वो लेकिन आप सिक्के नहीं खरीदते ना? नहीं नहीं हम सिक्के नहीं खरीदते, सिर्फ ये बर्थडे नोट ही सेल करते हैं, बर्थडे नोट ही सेल करते हैं, इसी के लिए फोन करें, बाकी कोई चीज के लिए आपको सिर्फ फोन बर्थडे नोट के लिए फोन कीजिए या सिर्फ व्हाट्सएप कीजिए, फोन करने की भी जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट कीजिए आपके घर तक पहुंच जाएगा, बरोबर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गूगल पे पेटीएम सब जगह से सब कुछ एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल। ओके और साथ में ये फैंसी है तो एक तो ये भी दिखा दीजिए, वो फैंसी सेमी फैंसी नंबर है 51, 52, 53, गुजराती बोरा लोग रहते हैं, उनके धर्म गुरु का नंबर है। सो दिस सेल्स लाइक हॉट केक, 51, 52, 53। वैसे 9-9 नोट का सेट है, सेमी फैंसी नंबर्स बोलते हैं इसको, ये सब हम बेचते हैं, ये सब कलेक्टिंग आइटम्स है, कलेक्टर्स लोग खरीदते और कलेक्ट करते हैं। अच्छा सब अलग अलग नंबर है, फैंसी का भी कलेक्शन करते हैं, फैंसी सेमी फैंसी नंबर्स एवरीथिंग वी हैव। और ये कुछ लेना है तो कोई आपके स्टॉल पे ही आए, कोई पर्सनल फोन या मैसेज ना करें। जैसे करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पूरे इंडिया में डिलीवरी हो जाएगी, आपके घर तक पहुंच जाएगा, बाकी किसी कोई पुराने सिक्के आप खरीदते वरे नहीं। नहीं 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 नहीं। थैंक यू, ये थे निखिल जी हमारे दोस्त, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू सर। अभी एक और स्टॉल पे आए हैं और यहाँ पे सीनियर न्यूमिस्मेटिस्ट है मुकेश जी, काफी सालों से मैं मुकेश जी को जानता हूँ और उससे काफी बार हमारा सामान का भी एक्सचेंज हुआ है, नोट्स और पेपर मनी और कॉइन्स का भी, और मुकेश जी का क्या कलेक्शन है वो देखते हैं और साथ में कुछ मुकेश जी ऐसी बातें बताएंगे जो आपके लिए फायदेमंद है, सीधा मुकेश जी से जानते हैं। नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार उत्सव जी, नमस्कार। मुकेश जी आप क्या कलेक्शन करते हैं, इस फील्ड में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं वो थोड़ा बताएं। इस फील्ड में हमें लगभग 15 साल हो गए हैं और 15 साल के बाद हमने जब 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, फिर हमने इसमें प्रोग्राम बनाया कि भाई इस लाइन को प्रमोट करने के लिए 2016 में हमने रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के नाम से एक नेशनल सोसाइटी रजिस्टर करवाई थी। कहाँ पे रजिस्टर है ये? तो ये दिल्ली से रजिस्टर्ड है, ये ऑल ओवर इंडिया की सोसाइटी है। ओके। एक्चुअल में ये नेशनल सोसाइटी है, नेशनल सोसाइटी। 15 स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव कमेटी है हम लोगों की, ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। ओके। और इसमें 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर है 15 स्टेट्स के, और इसमें ऑल इंडिया के लगभग 700 मेंबर है ऑलरेडी। इसकी मेंबरशिप का स्टार्टिंग फीस जो होती है 1100 रुपए है इनिशियली, वो लाइफ मेंबरशिप के लिए होती है, और हर साल इसका 250 रुपए एनुअल सब्सक्रिप्शन जाता है, बाकी इसमें कोई चार्जेस नहीं है। इसकी प्रमोशन के लिए हमने दिल्ली में लगभग 8 से 10 एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किए हैं, इसके साथ हमने एक अलीगढ़ में भी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की थी, और अभी हमारी करंट एग्जीबिशन आने वाली है दिल्ली में और उधर हरियाणा में। और पहले तो ये बताइए कि एग्जीबिशन से पहले कि किसी को रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी का मेंबर बनना है तो उसका प्रोसीजर क्या है? सर उसके लिए हमें एक आधार कार्ड चाहिए, उसकी फोटो चाहिए, उसका मोबाइल नंबर चाहिए। ओके। तो उस बेसिस पर हम 1100 रुपए लेके उसका मेंबरशिप लाइफ टाइम होता है 1100 रुपए लाइफ टाइम होता है, इसमें एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है 250 रुपए साल का, जो इनिशियली हम अभी 4 साल से नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें वो फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ओके जी। और दूसरा ये जो मेंबर बन जाएगा उसको क्या बेनिफिट होगा लाइफ लॉन्ग? तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि वो अपने आप को एक ऑथेंटिक मेंबर है, एज ए कलेक्टर अगर कोई भी कलेक्शन करता है तो एक ऑथेंटिसिटी होती है कि भाई वो मेंबर है, और वो किसी भी तरीके का कलेक्शन लेके ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर सकता है, आ जा सकता है, ले सकता है। अगर उसको मान लो ट्रेन से, बस से, कहीं से भी कोई भी चीज़ लानी है, ले जानी है, तो हमारे हर कार्ड के पीछे स्पेसिफाई होता है कि ये मेंबर ऑथेंटिक मेंबर है, कॉइंस कलेक्टर है, और ये थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी अपना कोई भी कलेक्शन डिस्प्ले के लिए, सेल के लिए, परचेज के लिए, ट्रेन से, बस से, किसी भी मीन्स ऑफ कन्वेंस से वो लेके जा सकता है। और अगर कोई मेंबर बनता है सोसाइटी का तो उसको कुछ सीखने को मिलेगा सोसाइटी के सेमिनार वगैरह से होता है? इसके प्रमोशन के लिए हमारी हर एग्जीबिशन में कम से कम 3 दिन का एजुकेशनल फ्री प्रोग्राम होता है, हमारी किसी भी एग्जीबिशन में कहीं पर भी कोई किसी तरीके का चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सबके लिए, सिर्फ मेंबर बनने के लिए लाइफ टाइम 1100 रुपए देने। हाँ जी। ओके okay. अब आप एग्जीबिशन की डिटेल दीजिए कि अगला एग्जीबिशन बॉम्बे के बाद कब है? हमारी बॉम्बे के बाद सबसे पहली एग्जीबिशन है हरियाणा में। ओके यमुनानगर। ओके ये एग्जीबिशन है
यमुनानगर हरियाणा, ओके, 22, 23, 24 अक्टूबर, ओके, और इसके बाद एक एग्जीबिशन हमारी आ रही है दिल्ली में। दिल्ली में कब आ रही है? 19, 20, 21 नवंबर, ओके, 2021। वाह, इन दोनों एग्जीबिशन में एजुकेशन फ्री है, और इसके अलावा जो भी लोग आना चाहते हैं उनके लिए नॉलेज के लिए सारा अरेंजमेंट किया जाएगा। किसी भी एग्जीबिशन में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, कोई एंट्री फीस नहीं होती, तो डायरेक्ट सब जने इनवाइटेड है। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जरूर आइए। अब आप बेसिकली कलेक्शन क्या करते हैं वो थोड़ा बहुत नक्शल दिखा दीजिए। सर, हम लोगों का कलेक्शन ब्रिटिश इंडिया रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, ओके, और एक हमारे पास कंसेप्ट तैयार होता है पूरा, ये है रोम का कलेक्शन, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी का। इसमें हम कमेमोरेटिव फाइल तैयार करते हैं पूरी, जितने भी कमेमोरेटिव कॉइंस 160 कॉइंस आए हैं अभी तक, उसमें से 140 कॉइंस की पूरी फाइल होती है सिस्टमेटिकली अरेंज्ड। इसमें 15 रेयर कॉइन मिसिंग होते हैं, और ये पूरी फाइल हम 3500 रुपये में कलेक्टर्स के प्रमोशन के लिए दे रहे हैं। इसमें सब कॉइन्स होते हैं, कंप्लीट फाइल है। इसी तरीके से हम और भी कंसेप्ट रंग से निकाल रहे हैं रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी के। ये पूरा एल्बम मात्र आप 3500 रुपए में दे रहे हैं। अगर किसी को लेना है तो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कर सकता है। हाँ, तो आप अपने कांटेक्ट नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं। साथ में मैं बताना चाहूंगा कि कांटेक्ट नंबर आप देंगे तो बहुत सारे कॉल आएंगे, अलग अलग लोग आपको सिक्के सेल करने के लिए भी परेशान करेंगे। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अगर कांटेक्ट नंबर देना चाहे, अगर कोई फाइल खरीदना चाहता है तो आप दे सकते हैं। हर हमारी यूट्यूब चैनल पर भी, हमारा भी अपना यूट्यूब चैनल है रंग के नाम से, रंग, उसमें भी हमारा अपना ऑफिस का पूरा एड्रेस है, ओके, उसका मोबाइल नंबर भी हमारा है, लैंडलाइन नंबर भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे लोगों की कॉल आती है तो हम उनको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी लोग कहते हैं कि ये रिपब्लिक इंडिया के कॉइन हजारों के हैं, लाखों के हैं, जब हम आपको 140 कॉइन्स की पूरी फाइल 3500 रुपये में दे सकते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसकी वैल्यू 5 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, हार्डली 100 रुपये का कॉइन होता है। जो रेयर कॉइन्स होते हैं उनकी वैल्यूशन भी 100 रुपये से लेके और 2000-3000 तक होती है। इसलिए जितने भी पब्लिक ये सोचती है कि हमारे कॉइन्स की वैल्यू लाखों रुपये में है या 50,000, 1,00,000, 10,00,000, ये मिसगाइड होकर आते हैं, कृपया वो ना आए। हाँ, समझ गए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा रश होता है और कोरोना के पीरियड में उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, तो वो कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए शायद जैसे बॉम्बे में हुआ उस प्रकार अगर ज्यादा भीड़ आ गई तो वहाँ पे भी आप रोक देंगे। हाँ, उससे प्रॉब्लम होगी, कोरोना की वजह से एग्जीबिशन भी बंद हो सकती है। और बहुत सारे लोग मिसगाइड होते हैं कि भाई आपने ये अठन्नी की वैल्यू, इंदिरा गांधी की अठन्नी या रुपया, ये 10 लाख का होता है, 5 लाख का होता है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू 5 से 10 रुपये, 20 रुपये होती है। सही, ये चीज। थैंक यू मुकेश जी, अच्छी जानकारी के देने के लिए। थैंक यू सो मच। अगेन नेक्स्ट टोल पे आ चुके हैं, यहाँ पे भी मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन देखने को मिल रहा है। साथ में इस टोल पे आने का मेरा मकसद ये है कि यहाँ पे कॉमेमोरेटिव कॉइंस और रिपब्लिक ऑफ कॉइंस का पूरा एल्बम दिख रहा है, और साथ में मैच बॉक्स का बढ़िया कलेक्शन दिख रहा है। देखिए, सिर्फ कॉइंस और पेपर मनी नहीं होता, कॉइंस होते हैं, पेपर मनी होती है, मेडल्स होती है, मैच बॉक्स होते हैं, सिगरेट के बॉक्स का भी कलेक्शन होता है। यहाँ पे एक मैच बॉक्स का बढ़िया कलेक्शन है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मिलवाता हूँ स्टॉल के ऑनर से। सर, आपका नाम क्या है? प्रसाद, बैंगलोर से। अच्छा, आप कौन कौन सा कलेक्शन करते हैं और सेल आउट क्या क्या करते हैं? रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया, करेंसीज, कॉइन्स, मैच बॉक्सेस, पेंस। तो मैच बॉक्स का कलेक्शन दिखाइए आपका। ये अबाउट 600 डिफरेंट वैरायटीज है। ओके, दो एल्बम मिलकर 1200 का वैरायटीज दिखता है। ओके, ये फिल्म स्टार्स का, ये एक्चुअल है कि ये बनाया हुआ है? ना, एक्चुअली है, एक्चुअल है मैच बॉक्स। एक निकाल के दिखाइए, और ये यूएनसी कंडीशन जैसा दिख रहा है। हाँ, कंडीशन हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए, ये फ्लाई बटरफ्लाई मॉडल है। वाह, इसका हीरोइन है, साउथ इंडियन का हीरोइन है। वाह, और दिखाइए साथ। तो ये मैच बॉक्स का प्राइस किस प्रकार से होता है? ये पूरे फाइल का प्राइस क्या होगा? वो 8,000 होता है। 8,000। वाह। सेम ब्रांड है लेकिन डिफरेंट पिक्चर्स है। ओके, ब्रांड एक ही है। ये डाल दीजिए इसमें वापस। तो
पूरे फाइल का 8,000 हाँ ओके चलिए। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया में दिखाइए कलेक्शन अपना, पहले ये एल्बम दिखाइए जिसको देख के हम थोड़ा फैसिनेट हो रहे हैं। ये रेडीमेड एल्बम है, रेडीमेड एल्बम कुछ नए है ये कलेक्टर्स के लिए। जो खरीदेगा उसको सिर्फ और सिर्फ अंदर कॉइन डालने के लिए। ओके ये कॉइन्स का है और ये करेंसी का इनसेट वाला करेंसी का है, इनसेट वाला करेंसी का है। अच्छा वाह 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 सर बहुत बढ़िया आपका, सभी डिटेल्स है उसके। अच्छा क्या सीक्रेटरी तो पूरा सिग्नेचर सेट 1 रुपए से लेके कहाँ तक का आ जाएगा? ये एल्बम में 5 रुपीज तक है, 1, 2, 1, 2 and 5 और दूसरा 3 एल्बम है वो 2,000 तक खाता है। हाँ तो 2 एल्बम में कंप्लीट सिग्नेचर सेट, 4 एल्बम। तो अभी यहाँ पे नोट्स कोई नहीं है लेकिन सारा डिटेल लिखा हुआ है कि इसमें आपको कौन सा नोट डालना है, इसमें कौन सा नोट डालना है, सारा डिटेल यहाँ पे इधर है। इधर नोट्स के साथ है। अच्छा ये नोट्स के साथ ऐसा दिखता है कुछ। वाह अगर ये एल्बम किसी को खरीदना है तो आपका डिटेल दे दीजिए। हाँ कॉन्टेक्ट डिटेल दे दीजिए, साथ में बता दो आप कॉन्टेक्ट डिटेल दे रहे हो तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने कॉइन्स और करेंसी बेचने होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपका फोन भी कर सकते हैं तो उसको हैंडल करना वो आप देख लीजिए किस प्रकार से करना है। कोई अगर फोन करता है तो काफी सारे लोग, बहुत सारा लोग क्या करता है सिर्फ कॉमन का कॉइन्स है लेकिन वो समझते नहीं है मैं क्या करूंगा उसमें, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, आई एम आल्सो हेल्पलेस, मुझे भी आता है। करेक्ट करेक्ट आपका नंबर है तो दे दीजिए खरीदना है तो किसी को। अच्छा इस पे आप कोई अगर आपको फोन करे तो आप फोन करना चाहते हैं कि नहीं, आप बता दीजिए कि कोई आपको फोन करे या नहीं? नहीं नहीं कॉइन सेल के लिए आपको कोई फोन ना करे ना, सिर्फ अगर एल्बम परचेज करना है तो ही आपको फोन करे। थैंक यू आपका नाम बताइए सर। प्रसाद। थैंक यू प्रसाद जी, थैंक यू सो मच।